होली पर चुनावी रंग चढ़ा नजर आ रहा है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से महाविकास आघाड़ी होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें महाविकास आघाड़ी के सभी गुट शामिल हुए थे। इस वक्त मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों की होली जलाई गई। एक और जहां पार्टी उम्मीदवार नागरिकों का आशीर्वाद लेने के लिए होली मिलन समारोह में उपस्थिति दर्ज करवाते रहे, वहीं दूसरी ओर महाआघाड़ी ने सत्ताधारी पार्टी द्वारा सरकारी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का विरोध करते हुए ईडी, सीबीआई, आईटी, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी आदि की प्रतीकात्मक होली का दहन किया गया। इस वक्त लोकसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी विकास ठाकरे ने संविधान बचाने की बात कर चुनाव में मतदान करने की बात की है। महाविकास आघाड़ी ने जो पिछले 10 साल से मोदी सरकार ने जन विरोधी निर्णय लिए उसकी होली किए है। आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल पहले मोदी सरकार को इस देश की जनता ने गद्दी पे बिठाया था, मगर मोदी सरकार ने 10 साल में इस देश से लोकशाही हटने के लिए काम किया है। इस देश के नेताओं को जो विरोधी पक्ष में प्रखर आवाज उठाते थे उनको जेल में डालने का काम किया है। ईडी सीडी की धमकी दिखा के विरोधक ही ना रहे, इसलिए मोदी सरकार ने काम किया है। और अपना लोकसभा का इलेक्शन ये देश की लोकशाही जिंदा रखने के लिए लड़ने वाला इलेक्शन है, देश का संविधान बचाने के लिए लड़ने वाला इलेक्शन है। और जो बुरे निर्णय लिए थे उसकी होली कर दी है और आने वाले इलेक्शन में नया पर्व शुरू होगा। पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि मोदी सरकार ने इन 10 सालों में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने के सिवा कुछ भी नहीं किया है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे जैसे विषयों पर सिर्फ जुमले मिले हैं। ऐसा है कि आज नागपुर मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून आमच्या महाविकास आघाडीचे जेवढे घटक आहेत, काँग्रेस असो, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गट असो, रिपब्लिकन पार्टी, सीपीआय, सीपीएम, शेकापा, समाजवादी पार्टी, आप, जेवढे आमचे सर्व घटक आहेत त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी आज होळी मिलनचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। आणि त्याचबरोबर जे सध्याचे ज्वलंत प्रश्न आहेत केंद्र शासनाच्या आणि राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे आज जी परिस्थिती आहे, शेतकऱ्यांची जी परिस्थिती आहे, कापसाला भाव नाही, संत्र्याला भाव नाही, तिकडे कांद्याला भाव नाही, तिकडे धानाला भाव नाही, त्याचबरोबर बेरोजगारी, महागाई, जे मोठे मोठे उद्योग महाराष्ट्रात येणार होते उद्योग ते बाकीच्या राज्यामध्ये गेले, गुजरातमध्ये गेले, ईडी आणि सीबीआयचा विरोधकांवर दुरुपयोग, अशा पद्धतीच्या सर्व जे चुकीचे धोरण केंद्र शासन आणि राज्य शासनाचे आहे त्या केंद्र शासनाच्या आणि राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणाची आज या ठिकाणी मी जाहीर होळीसुद्धा आम्ही इथे करण्यात आली, त्यामध्ये आमच्या सर्व महाविकास आघाडीचे सर्व घटक उपस्थित होते आणि त्यांच्या माध्यमातून हा होली मिलनचा कार्यक्रम आम्ही इथे आयोजित केलेला आहे। इंडिया आघाड़ी के सभी गुट एक साथ तो आ गए। चुनाव में यह गुट वोट बटोरने में कितना चमत्कार करता है यह देखना खास होगा। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।